अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने चार अदद जो है वो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके इनका अच्छा सा मैश बना लिया है। फिर मैंने इसके अंदर एक अदद जो है टेबलस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला शामिल किया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर मिलाए है। इसके बाद मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं जिनमें 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/4 टीस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून मैंने धनिया लिया है और इन सब मसालों को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके साथ ही मैंने एक अदद ग्रीन चिल्ली ली और एक अदद अनियन लिए, इसको मैंने बारीक कट कर लिया और इसको भी मैंने आलू के मैश में जो है मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसमें मिलाने के बाद हम जो है एक पराठा बनाने के लिए जाएंगे। और पराठा बनाने के लिए मैंने एक पेड़ा लिया और पेड़ा बनाकर उसके अंदर मैंने आलू का मैश शामिल किया और उसको अच्छे से बेला और बेल कर इसको मैंने तवे पर दोनों तरफ घी लगा कर जो है इसका एक अच्छा सा पराठा बना लिया और क्रिस्पी सा पराठा मैंने रेडी किया और इसको रेड चटनी के साथ सर्व किया और फिर इसे मैंने खाया। बड़े मज़े का ये पराठा बना है, आप भी इसे बनाकर खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।